हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी कंसेप्ट। आई एम मनीषा गंभीर एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ साइंस क्लास 7, विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम ऑलमोस्ट चैप्टर ये जो है कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट के 2-3 पेज रह गए हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, यहाँ तक हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर, टिल हेयर, ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो फटाफट से विद इन 1 मिनट। सबसे पहले फूड जो है यहाँ से एंटर होता है, इस यहाँ पे टीथ होते हैं, टीथ उसको ग्राइंड कर देते हैं फूड को। उसके बाद टंग होती है, टंग क्या करती है, फूड को मिक्स कर देती है, जो स्मॉल पीसेस वाला फूड होता है उसको मिक्स करती है सलाइवा के साथ, ठीक है। सलाइवा होता है थूक, और इस सलाइवा का फंक्शन होता है फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट करना शुगर्स में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, शुगर सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। डाइजेशन मतलब एक तरह से यहीं पे आपकी स्टार्ट हो चुकी होती है। उसके बाद खाना जो है अंदर निगलते हैं हम च्यू करके, तो वो खाना जो है इसमें आता है, ईसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना किस में एंटर होता है, स्टमक में, ये स्टमक है। इसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो है। फिर उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। ये सारी जो हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखी, ये थी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। लेकिन साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब भी होते हैं। इसलिए ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आई विल गिव यू द लिंक अगर डिटेल में आपको देखना हो तो, और प्लीज़ देख लेना सो डैट आपको ईजी रहेगा ये आगे की वीडियो समझने में। नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ स्टमक से हम देखते हैं कि स्टमक में जाके कैसे फिर डाइजेशन होती है फर्दर। ईसोफेगस से एंटर हुआ खाना स्टमक में, और फिर यहाँ क्या हुआ, स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है। थिक वॉल्ड मतलब थोड़ी मोटी लाइनिंग वाला, ठीक है। लाइंस जो साइड की लाइंस होती हैं इसकी, जैसे ये जे शेप्ड होता है, ठीक है, तो इसकी जो लाइंस होती हैं अंदर की बहुत मोटी होती हैं, थिक होती है वॉल्स। उसके बाद फ्लैटेंड जे शेप होता है, फ्लैटेंड जे का मतलब है कि बिल्कुल बैठा हुआ, ऐसे उभरा हुआ नहीं होता, उभरा हुआ नहीं ऊपर की तरफ, बैठा हुआ बिल्कुल ऐसे जे शेप, शेप जो ऐसे जे शेप में बना होता है। और जो है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वाइडेस्ट मतलब बहुत चौड़ा होता है, सबसे चौड़ा। इसके बाद ये एंड मैंने पहले भी बताया कि इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, ठीक है। यू कैन सी ये रहा स्टमक, एक साइड पर ये क्या है, फूड पाइप है, एक एंड से यहाँ से एंटर हो रहा है खाना स्टमक में, और स्टमक के दूसरे एंड पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ से खाना फर्दर यहाँ डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ओके। और ये फ्लैटेंड जे है, आप शेप देख सकते हो, जे शेप्ड है, और ये इसकी जो इनर लाइनिंग है ये काफ़ी मोटी है, देखो दिस वन, ठीक है। ये हमने देख लिया स्टमक के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, ये कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है, फॉर एग्जांपल म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना स्टमक की, जो अंदर की लाइनिंग होती है ना वो कहीं डैमेज ना हो जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है इनर लाइनिंग से, ठीक है। उसके बाद जो एसिड होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम होता है कि बाय चांस अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाए हमारी बॉडी में फूड के थ्रू, तो उसको ख़त्म कर देना, किल कर देना, ठीक है। पहला फंक्शन ये है HCl का इसका, और दूसरा फंक्शन होता है कि जो स्टमक का हमारे स्टमक में जो मीडियम है ना वो एसिडिक रखना, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प कर सके एक्ट करने के लिए, ओके। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट।
ये हो गया फंक्शन HCl का, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, इनका काम होता है जो प्रोटीन, प्रोटीन बहुत भारी एक तरह से कह सकते हो आप, न्यूट्रिएंट हो गया, ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसकी डाइजेशन होती है हमारे स्टमक में, किस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है स्टमक. पहला हमने ऑलरेडी रीड किया था, आपको याद होगा, अभी अभी मैंने बताया भी कि सलाइवा क्या करता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंसेस में, मतलब स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. वो काम होता है हमारे माउथ में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा. लेकिन जो ये प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है ना, ये हमारी स्टमक में होती है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ आफ्टर स्टमक खाना किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हाईली कॉइल्ड और अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, मतलब बहुत ही ज़्यादा 7.5 मीटर की होती है कम से कम स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी. और हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड मतलब ऐसे से बिल्कुल उलझी हुई ऐसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये ना, इसमें 3 जूसेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. पहला तो जो लीवर सिक्रीट करता है, उसकी सिक्रीशंस जो हैं इसी में आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर जो पैनक्रियाज में सिक्रीशन होती है पैनक्रियाटिक जूस की, वो भी इसी के अंदर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड फर्दर ये खुद भी कुछ, इसकी वॉल्स जो होती है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये खुद भी जूसेस सिक्रीट करती हैं, ठीक है, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूसेस कहते हैं. मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये वाला टॉपिक, इसलिए आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे उलझी हुई, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है. उसके बाद कि उसके पास सिक्रीशंस होती हैं अपनी खुद की भी और दूसरे ऑर्गन्स की भी, ठीक है, दूसरे ग्लैंड्स, ये वाले ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी इसी के अंदर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सिर्फ ये समझना भी ज़रूरी है. आप डायग्राम देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक के बाद खाना गया हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कॉइल्ड है, ऐसे बिल्कुल कर्व कर्व हुई हुई है, ठीक है. और ये फिर फर्दर ऊपर हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ तक है ये सारी, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी. नाउ अभी हम ये देख लेते हैं कि ये लिवर और पैनक्रियास क्या है, ठीक है. ये जो हमने यहाँ पढ़े ये ग्लैंड्स, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इनमें से कौन से जूस सिक्रीट होते हैं ये देख लेते हैं. लिवर, लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. जो आपकी राइट साइड होती है ना, मतलब सीधी साइड होती है, जो वहाँ उसके अपर पार्ट में, एब्डोमेन के ऊपर के पार्ट में. एब्डोमेन आपको पता होगा लंग्स के बिल्कुल जो नीचे वाला ऐसे पार्ट होता है वो होता है एब्डोमेन, ठीक है. एब्डोमेन के बिल्कुल ऊपर वाले, अपर वाले पार्ट में सिचुएटेड होता है ये लिवर, ठीक है. और ये जो है ना लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में हमारी, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और जो लिवर है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है. इसका क्या काम होता है, ये एक सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है. लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस डैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. जो हमारा ये बाइल जूस है ना लिवर से सिक्रीट होता है, जो ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ओके. और जब भी चाहिए होता है ये वाला जूस, तो ये स्टमक में पहुंच जाता है, सॉरी स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ओके. इसका काम होता है फैट की डाइजेशन करना. जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट थे स्टमक में, उनका काम था प्रोटीन की डाइजेशन करना. लेकिन जो ये बाइल जूस होता है सिक्रीट लिवर से, इसका काम होता है फैट्स की डाइजेशन करना. और ये बाइल जूस किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है ये, यू कैन सी, ये देखो ये रहा स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे ये है पैनक्रियाज. और जो हमने अभी लिवर पढ़ा, लिवर ये रहा, ठीक है. राइट साइड आप कहोगे कि राइट तो ये होती है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो आप देखोगे ये वाली हमारी राइट है, ये हमें अपोजिट है ना डायग्राम दिया हुआ, इसलिए
ये राइट साइड है और ये एब्डोमेन होती है, यहाँ पे एब्डोमेन के ऊपर ही अपर पार्ट में लिवर है, ठीक है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। सिक्रीट होता है जो बाइल, यहाँ पे सिक्रीट होता है और फिर फर्दर स्टोर होता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में, एक तरह से स्टोर हाउस है ये, ठीक है, बाइल का स्टोर हाउस है ये। अब पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना। जिस तरह लिवर जो है बाइल सिक्रीट करता है ना, इसी तरह पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों की डाइजेशन करना, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये भी हमने जितना भी इसमें रीड किया, मैंने यहाँ पे ऐसे एरो बना के फ्लो चार्ट टाइप बना दिया है, थोड़ा इजी रहे समझने के लिए। इसलिए यू कैन सी लिवर से बाइल सिक्रीट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। बाइल की डाइजेशन, बाइल किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में, और पैनक्रियाटिक जूस किस में हेल्प करता है, इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ इतना सा ही आपको याद करने के लिए लिखती है, आप अपने लिए नोट कर लेना बुक में। दिस पेज इज़ कम्प्लीटेड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। और जो कार्बोहाइड्रेट आपने देखा था ना, जो पैनक्रियाटिक जूस करता है कन्वर्ट, जिसको कार्बोहाइड्रेट को करता है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमने पढ़ा था सलाइवा भी करता है, ठीक है, मतलब जो स्टार्च हमने पढ़ा था ना, स्टार्च इंटू शुगर, तो वो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब डाइजेशन, जब हमने फूड एंटर हुआ तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन एक तरह से माउथ में ही स्टार्ट हो गई थी, फिर प्रोटीन्स की स्टमक में स्टार्ट हो गई थी, फैट्स की यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके स्टार्ट हुई। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी ना कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, जो होते हैं इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है ये हम देख लेते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब पार्टली मतलब हाफ डाइजेस्टेड, अभी पूरी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, आधी कंप्लीट हुई होती है यहाँ तक, तो जब कंप्लीट आधी डाइजेशन होती है तो फूड कहाँ पहुँचता है, लोअर पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो कंप्लीट करते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स टोटली होते हैं हमारे फूड में, सबकी डाइजेशन जो है ये इंटेस्टाइनल जूस जो रह जाती है वो कंप्लीट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, और उसके बाद फैट्स होते हैं, जो फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट्स की भी कंप्लीट कर देता है, फैट्स की भी कंप्लीट कर देता है, इसी तरह प्रोटीन्स की भी कंप्लीट कर देता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में। ओके, नाउ कंप्लीट हो गई यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमारी, ठीक है, फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब फूड की जब डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है तो नेक्स्ट काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको ब्लड वेसल्स में लेके जाना, ठीक है, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाए इन द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होता है ना, उसकी वॉल्स होती है अंदर की, ठीक है, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग में होती हैं कुछ ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है धीरे धीरे, ऐसे खाना, डाइजेस्ट हुआ हुआ खाना उसकी वेसल्स में चला जाता है ताकि फर्दर ऑर्गन्स तक पहुंच सके। ओके, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो इनर वॉल्स है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है खाना जो डाइजेस्ट हो चुका होता है, ठीक है, और फर्दर वो चला जाता है दूसरे ऑर्गन्स में। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कॉल्ड विलाई। ये जो इनर वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक विलाय होते हैं, यहाँ पे यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया जो होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एरिया मतलब कि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन,
ठीक है, द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस. बहुत सारी होती हैं तो विलाई कहलाती हैं, और अगर सिंगल होती हैं तो वो सिंगुलर विलस कहलाती हैं. ठीक है, ये विलस क्या होती है, नेटवर्क होता है बहुत छोटी, बहुत ही पतली, स्मॉल और थिन ब्लड वेसल्स का. ठीक है, और जो सरफेस होती है विलाई की, वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को. जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और फिर एब्जॉर्ब करके क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है वाया ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है पहुंचाना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं ट्रक के थ्रू या कार, इन सब के थ्रू होती है ना, ऐसे ही ब्लड वेसल्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना खाना. ठीक है, खाने में से जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, या बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ब्लड वेसल्स, ब्लड हो गया एट्सेट्रा. लेकिन इस डाइजेशन प्रोसेस में ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं ऑफ द बॉडी, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन. मतलब कि एब्जॉर्ब तो कर लिया सब्सटेंस और पहुँचा भी दिया डिफरेंट ऑर्गन्स तक, लेकिन उन ऑर्गन्स में जाके क्या काम होता है फर्दर, वो सिंपल सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब हुए होते हैं उनकी हेल्प से ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फर्दर दोबारा बिल्ड होते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन. ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ठीक है, और एनर्जी भी रिलीज हो जाती है. इसी तरह हमें फूड से एनर्जी मिलती है. द फूड डैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो फूड रह जाता है ना अनडाइजेस्टेड, वो फिर फर्दर हम पहुंचा देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन तक. ओके, ताकि उसमें से फर्दर अगर वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करना जो रह गया है वो कर लें, और फर्दर जो कुछ और मिनरल्स वगैरह वो भी एब्जॉर्ब करके फिर उसको हम बाहर इजेक्ट कर दें. अब ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, ये वाइडर होती है और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है, मतलब थोड़ी चौड़ी होती है और छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, अराउंड 1.5 मीटर की होती है. और इसका फंक्शन होता है वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करना, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड से. और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो हम पास कर देते हैं रेक्टम में, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस. सेमी सॉलिड मतलब ना सॉलिड और ना फिर लिक्विड, सेमी सॉलिड होते हैं हमारे फीसेस जो हम वेस्ट प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं. और द फेकल मटीरियल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन. इसी प्रोसेस को हम लास्ट में कहते हैं इजेशन. ये आपका कंप्लीट हो गया डाइजेशन इन ह्यूमंस. एक बार आप फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या रीड किया आज इस वीडियो में. इसमें हमने यही देखा कि स्टमक जो है ये HCl, म्यूकस, ये सब प्रोड्यूस करता है. HCl के हेल्प से क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से हमारे प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है. ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल की हेल्प से, बाइल जूस जो लिवर सिक्रीट करता है इसकी हेल्प से फैट की डाइजेशन हो जाती है. पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं इसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है. और जो बाकी की डाइजेशन, हाफ डाइजेशन होती है, वो इंटेस्टाइनल जूस करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड फर्दर इसकी वेसल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फर्दर ऑर्गन्स तक पहुंचा देती हैं, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टिव फूड को, और ये जो फूड को पहुंचाने का काम होता है ऑर्गन तक, इसी को हम पहुंचाने का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन है. और जो ऑर्गन जो है उस फूड की हेल्प से फर्दर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो बनाते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन्स वगैरह जो बनाते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. ओके,
यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और दूसरे मिनरल्स की, और फिर फर्दर ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये फिर रेक्टम तक पहुँचा के ये इजेक्ट हो जाता है थ्रू एनस। ये कंप्लीट हो गया आपके डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आप देख सकते हो कि हर एक ऑर्गन का एक अपना काम है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था ये सब जो हमने रीड किया, और कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड थे, इनका भी अपना रोल है इस डाइजेशन में। ना इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, इनमें डाइजेशन कैसे होती है। आपने देखा होगा कि काऊ जो होती है ना कॉन्टिन्यूसली मतलब खाना च्यू करती रहती है एक साथ बहुत सारा, और च्यू नहीं करती मतलब बिना च्यू किए ना अपने अंदर स्वेलो निगलती रहती है एक तरह से, तो वो ऐसा कैसे कर लेती हैं, तो ये हम रीड करते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। र्यूमन में वो खाना अपना स्टोर कर लेती हैं, वो ना कॉन्टिन्यूसली मतलब स्वेलो करती रहती है खाना बिना च्यू किए, तो वो क्या करती है र्यूमन में जाके ना अपना खाना एकदम स्टोर कर देती हैं और बाद में उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, ठीक है। ये रहा र्यूमन, यू कैन सी ये र्यूमन है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से खाना ऐसे एंटर हुआ और वो ला के ऐसे यहाँ पे र्यूमन में स्टोर कर लेती है, और यहाँ पे फिर फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, पार्शली डाइजेस्ट होता है खाना, जिसे हम कड कहते हैं। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। ये जो खाना र्यूमन में पड़ा होता है ना पार्शियली डाइजेस्टेड जिसे कट कहते हैं, वो फिर फर्दर ना वापस से ईसोफेगस में जाता है और फिर यहाँ माउथ तक जाके ना स्मॉल लम्प्स में जाता है ये खाना, और वहाँ पे वो खाना वो दोबारा से च्यू करती है, चबाती है, गायें दोबारा से चबाती हैं, और फिर इसी प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं। र्यूमन से खाना वापस जा रहा है माउथ तक, इसलिए प्रोसेस का नाम है र्यूमिनेशन, और इन ऐसे एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं, ओके। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, जो ग्रास होती है ना वो सेलुलोज रिच होती है। सेलुलोज होता है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है ना इसी तरह सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये सेलुलोज जो है ना ये हमारे अंदर नहीं होता, इसीलिए हम ग्रास हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम नहीं खाते ये। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। हमारे पास ना सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, तो आप ये फर्दर आगे जाके पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में कि सेल्यूलोज एंजाइम को सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं सेलुलेज, वो हमारे पास नहीं होते, इसी वजह से हमारे में डाइजेशन नहीं हो पाती है सेलुलोज की। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। एनिमल्स लाइक हॉर्स रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आप फिगर देख सकते हो 2.9, यही वाली फिगर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये रही हमारी ईसोफेगस, ओके। इसके बीच का जो लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये रहा, ये है सीकम, ठीक है। ये सबके पास नहीं होता, ये सिर्फ कुछ एनिमल्स के पास ही होता है। तो सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। वही बात जो मैंने भी बताई, सेलुलेज एंजाइम होते हैं, इसमें मेंशन नहीं है, इसमें बैक्टीरिया आपको सिर्फ नाम ऐसे दिया है कि कॉमनली बताया है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सीकम में, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलुलोज की डाइजेशन हो जाती है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn this way, interesting way of food intake. वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो माउथ भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और दूसरे एनिमल्स कुछ हैं जैसे हमने पढ़े काऊ, बफेलो,
ये हॉर्स रैबिट इन सब के पास तो ये सब चीज़ें हैं, माउथ भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, लेकिन ऐसे एनिमल्स का क्या जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होती है? तो यही हम पढ़ेंगे एमीबा के बारे में, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये सिंगल सेल्ड है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ, बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा होता है ये ऑर्गेनिज्म जो पॉन्ड वाटर में हमें मिलता है। हमारी तो हम हमारे में तो बहुत सारे मतलब सेल्स होते हैं, जैसे आपने अभी रीड किया होगा पुरानी क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी, और अभी आप पढ़ोगे भी कि मल्टी सेलुलर होते हैं हमारे जो ऑर्गन होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं, फिर फर्दर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऐसे करते करते हम तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म में आप सोचो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग हो सकता है, तो इसलिए नहीं होता है। कैसे होता है देखते हैं। एमीबा हैज़ अ स्मॉल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म। होता क्या है, ये सिंगल सेल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे बीच में ना बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस कहते हैं इसे हम, और साइड में जो ये आप लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बिल्कुल लिक्विड टाइप होता है, सेमी लिक्विड, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे जो ये है न्यूक्लियस के आसपास और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है यहाँ सारी जगह पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और कुछ छोटे छोटे ना वैक्यूल्स भी होते हैं, ये रहे फूड वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स मतलब खाली जगह एक तरह से, जिसमें मतलब फूड जो है स्टोर हो पाए थोड़ा सा। एमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। ये जो एमीबा है ना, ये अपनी शेप ना बिल्कुल चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम, हर कभी कोई शेप ले ली, कभी कोई शेप ले ली। ठीक है, इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये क्या करता है, सीडोपोडिया, सीडोपोडियम होता है ना, सीडोपोडिया तो हो गए बहुत सारे, और ये सीडोपोडियम मेरा एक अगर हम देखें तो ये फॉल्स फीट होते हैं, मतलब कि फीट नहीं होते, एक तरह से नाम दिया गया है इसको क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इस वजह से फीट एक्चुअल में नहीं होते ये, लेकिन फीट की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, फॉर मूवमेंट, और दूसरा फंक्शन होता है फूड को कैप्चर करना। आप देख सकते हो ये दो सीडोपोडिया ऐसे बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ गए हैं ताकि फूड पार्टिकल को एकदम कैप्चर करके अंदर की तरफ कर सके, ताकि इससे न्यूट्रिएंट्स ले पाए। और इसमें आप देख लो ये कुछ ऐसे एरो बने हुए हैं, बाहर की तरफ वैक्यूल जा रहा है ये, तो ये एडजस्ट हो रहा है, एडजस्टेड वेस्ट है ये। ठीक है, जो वेस्ट होता है ऐसे एडजस्ट होता है बाहर की तरफ। जैसे ही अमीबा को थोड़ा सेंस होता है ना कि फूड है, ठीक है, मतलब आसपास, तो उसी टाइम ही अपना सीडोपोडिया जो होता है ना बिल्कुल बाहर की तरफ पुश कर देता है और फूड पार्टिकल के अराउंड, और उसको एक तरह से कैप्चर अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल, फूड जो होता है ये ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल में। ट्रैप होना मतलब एकदम फंस जाना एक तरह से। ठीक है, द अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब जो फूड वैक्यूल होते हैं ना, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिस तरह हमारे स्टमक में सिक्रीट होते हैं ना डाइजेस्टिव जूसेस, इसी तरह फूड वैक्यूल में भी सिक्रीट होते हैं जो उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में। ठीक है, ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, इसी तरह एमीबा में भी डाइजेस्टिव फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमारे में एसिमिलेशन हुई थी, हमारी बॉडी में होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे ऑर्गन्स में जाता है तो दूसरे ऑर्गन्स में एसिमिलेशन होती है, मतलब कि यूज़ किया जाता है उस सब एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को फर्दर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी
ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन, कितने फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जिसके लिए फूड रिक्वायर्ड होता है, तो ये एब्जॉर्ब मटेरियल यूज़ किए जाते हैं इन प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड अन रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जैसे मैंने अभी दिखाया, वैक्यूल के थ्रू बाहर निकल गया खाना जो अनडाइजेस्टेड था। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। ये जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, ये सब में सेम होता है लगभग, और एनर्जी रिलीज होती है। यही मेन पर्पस होता है फूड हमारा खाने का, ताकि उससे हमें एनर्जी मिल पाए, हमारी बॉडी के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म हम कर पाएँ, लाइक ग्रोथ, मेंटेनेंस, मल्टीप्लिकेशन और फर्दर रिपेयर करना अपने डैमेज पार्ट्स को। तो ये सभी हमारे फूड, मतलब यही सभी काम होता है हमारे फूड का। ठीक है, इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप पढ़ोगे आगे जाके कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपने देखा था कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वेसल्स जो हैं वो खींच लेती हैं, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं डाइजेस्टेड फूड को, वो फिर फर्दर उसको लेके जाती हैं वेरियस ऑर्गन्स तक। ये हमें अभी पढ़ा, लेकिन ये कैसे लेके जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और बताना ज़रूर कि कैसे लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को अगर आप न्यू हो तो। एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।